वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने के लिए हमने आपसे कहा था कि आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आइसोमर या आइसोमेरिज्म के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, यानी दो मॉलिक्यूल अगर ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनकी प्रॉपर्टी में अंतर है तो फिर वो आइसोमर हो सकते हैं, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता दर्शा सकते हैं, ऐसा हमने कहा था आपसे। और फिर हमने आइसोमर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी संरचनात्मक समावय भी थे और दूसरे स्टीरियो आइसोमर यानी त्रिविम समावय भी थे। तो हमने कहा था कि जो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला या कहें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से मतलब पार्टिकल जो होते हैं मॉलिक्यूल में जो एटम या ग्रुप होते हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग जो होती है वो अलग होती है, जबकि स्टीरियो आइसोमर के अंदर ऐसा नहीं है। स्टीरियो आइसोमर में नॉर्मली मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सभी में सेम होता है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचनात्मक सूत्र या कहें संरचना जो होती है वो भी सेम होती है, यानी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ सेम होता है, मगर उसके बाद भी मॉलिक्यूल्स में अंतर होता है और वो अंतर होता है 3D ओरिएंटेशन की वजह से। मॉलिक्यूल में जो एटम या ग्रुप होते हैं उन ग्रुपों का या एटमों का स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है, उस वजह से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में भी कोई ना कोई अंतर आ ही जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहे बट उसके बाद भी प्रॉपर्टीज में अंतर हो तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी में जो अंतर पैदा होता है ये उनके 3D ओरिएंटेशन में अंतर आने की वजह से होता है। तो अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर की, है ना, और हिंदी में क्या बोलोगे इसको, स्टीरियो आइसोमर को? तो हिंदी में आप स्टीरियो आइसोमर को बोलोगे त्रिविम समावयवी। क्या बोलोगे? त्रिविम, स्टीरियो का मतलब है त्रिविम और आइसोमर का मतलब है समावयवी, तो त्रिविम समावयवी, ठीक है। ये देखो आप स्टीरियो आइसोमर। अब अगर आपको ध्यान हो तो आइसोमर कोई सा भी हो, है ना, चाहे स्टीरियो हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहना है, सेम ही रहना है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो हो गया है सेम, लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसको शॉर्ट में SF लिख देता हूँ वो भी सेम रहने वाला है, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, तो फिर इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है 3D ओरिएंटेशन का, यानी दे हैव डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक है। तो इनके अंदर बेसिकली अंतर क्या होता है कि इनके अंदर 3D ओरिएंटेशन जो होता है एटम और ग्रुप्स का वो अलग अलग होता है। अब देखो, ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करके ही आगे बढ़ूंगा। तो देखो, 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट होने से हमारा मतलब क्या था? तो हमने आपको लास्ट क्लास में इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया था, ध्यान है आपको, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया था इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, सही है। इस तरह से हमने कुछ एक पार्टिकल्स शो किए थे और मैं इनको नाम भी दे देता हूँ। देखो, मान लो ये पार्टिकल A है, ये कौन सा है, B, C और D, ये A, B, C और D। तो बताओ A किससे कनेक्टेड है, AB से कनेक्टेड है, B किससे है, C से, और C किससे है, D से। तो कनेक्टिविटी मालूम चल गई, ABCD, है ना, बॉन्डिंग है A और B के बीच में, B और C के बीच में और C और D के बीच में। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखो A किससे कनेक्टेड है, वही B से कनेक्टेड है,
बी किससे है? सी से, और सी किससे है? डी से। इसका मतलब दोनों के अंदर अगर कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग चेक करूँ तो सेम है ना, कनेक्टिविटी सेम है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है? नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो इस बार किस वजह से ये डिफरेंट है, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो एटम या पार्टिकल रखे हुए हैं उनका स्पेस में ओरिएंटेशन जो है वो भिन्न भिन्न है, यानी त्रिविमीय अभिविन्यास जो है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ सभी मॉलिक्यूल जो है, सभी एटम जो है वो एक सीधी रेखा में अरेंज हो गए हैं, जबकि यहाँ सभी एटम जो है वो कुछ इस तरह से अरेंज हुए हैं। एक एटम यहाँ आ गया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये जो इस तरह का अंतर क्रिएट होता है ना, यही स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर के अंदर आपको सब कुछ सेम नज़र आने वाला है, बस आपको अंतर नज़र आएगा ओरिएंटेशन में, यानी पार्टिकल के त्रिविमीय अभिविन्यास में। ठीक है, अब देखो आप इधर ध्यान देना, हमने कहा था कि ये स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन है, किसका? एटम या ग्रुप का। क्लियर है सबके दिमाग में? अब हमने इस बात को जब आगे बढ़ाया था तो हमने इसके कुछ एक रियल एग्जांपल्स भी लिए थे कि भाई स्टीरियो आइसोमर के रियल एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो देखो उन्हें भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जब हमने इसके रियल एग्जाम्पल लिए थे तो हमने इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए थे, याद आ रहा होगा आपको, है ना, इस तरह से। ऐसे ठीक है, अब हमने इनके बीच में कनेक्टिविटी शो कर दी थी और कनेक्टिविटी के लिए हमने यहां डबल बॉन्ड अज्यूम किया था और यहां ऐसे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां डबल और यहां सिंगल, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ये देखो, है ना। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, मान लो ये कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। अब मुझे देख करके बताओ क्या इन मॉलिक्यूल्स में कोई अंतर है? तो देखो अगर आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो सी डबल सी यहाँ भी है, सी डबल बॉन्ड सी यहाँ भी है, सी एच बॉन्ड है, सी सी एल है, सी एच है, सी सी एल है, सी एच बॉन्ड, सी सी एल बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी सी एल बॉन्ड, यानी कनेक्टिविटी या बॉन्ड तो एक जैसे हैं, यानी स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर क्या अंतर है? अंतर है यहाँ पर 3D ओरिएंटेशन का, त्रिविमीय अभिविन्यास का, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम उपस्थित हैं, ठीक है, उन एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन या 3D अरेंजमेंट जो है वो आपको दूसरे मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट से डिफरेंट दिखाई देगा। कैसे? जैसे यहाँ हम लोग इस H पर गौर करें और हम देखें इस H के रेस्पेक्ट में दूसरी H इस तरह से है, बिल्कुल सामने है, है? लेकिन अगर हम यही बात यहाँ करें और इस एच के रेस्पेक्ट में दूसरे एच को नोटिस करें तो वो एच बिल्कुल अपोजिट में चला गया है, गया है कि नहीं गया? ठीक है, डिस्टेंस भी बदल गई है। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स में एच के रेस्पेक्ट में एच की रेस्पेक्टेबल पोजीशन चेंज हो गई है, एच की ही नहीं, सी एल के रेस्पेक्ट में सी एल यहाँ है और यहाँ सी एल के रेस्पेक्ट में सी एल यहाँ है। इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम उपस्थित हैं उनका स्पेस में ओरिएंटेशन या 3D अरेंजमेंट या हिंदी में कहें त्रिविमीय अभिविन्यास अलग अलग है, बाकी और कोई इनके अंदर अंतर नहीं है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बताओ? ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर ही कहलाएंगे। तो ये भी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है ना, ये एक रियल एग्जाम्पल हो जाता है स्टीरियो आइसोमर का। ठीक है, फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था अगर आपको ध्यान है तो, और वो एग्जांपल क्या था जरा देखो, हमने क्या किया था कि दो इस तरह से मॉलिक्यूल्स शो किए थे तिरछी रेखाएं खींच करके, और उन मॉलिक्यूल्स पर हमने कुछ एटम्स भी रखे थे। ठीक है, तो एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां और एक यहां। ठीक, और फिर हमने इनसे कुछ बॉन्ड बनाए थे, कैसे बनाए थे देखो, ऐसे, ध्यान आ रहा है, इस तरह से बनाए थे। और फिर हमने कहा था कि इन बॉन्डों से भी कुछ एटम अटैच कर देते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ही था, ध्यान है सबको,
ठीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ कि कौन सा आइटम कौन सा है। तो देखो थोड़ा जूम कर लें, देखो मैं कहता हूँ कि ये सी है, मैं कहता हूँ ये सी है, ये भी सी है मतलब कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ सी एल जुड़ा है और यहाँ बी आर जुड़ा है। सिमिलरली यहाँ भी एच है, सी एल है और बी आर है। ऐसे ही मैं इधर देखता हूँ, यहाँ कार्बन है और कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एच है, सी एल है, बी आर है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम करो, इस कार्बन को तो कांस्टेंट रखो ऐसे कैसे ही, और इस वाले कार्बन को पकड़ के आप घुमा दो थोड़ा सा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के अराउंड आपको इसको रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, तो आप लगभग इसको 120 से रोटेट कर दें। देखो ये एक ट्राइंगल माने आप, है ना, अगर मैं सबको मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल ही बनेगा। इन दोनों बॉन्डों के बीच का एंगल लगभग 120 मान लें। अगर लगभग 120 मानेंगे तो जब मैं इसको 120 से रोटेट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड 120 से घूमकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये वाला घूम करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये वाला घूम करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? देखो एग्जैक्टली तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन में हम इस बॉन्ड एंगल को लगभग 120 मान लेते हैं। इसलिए जब मैं इसको 120 से रोटेट करूँगा तो ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, और ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। ध्यान रहे मैं इनके बीच के एंगल को 120 ही मान रहा हूँ। तो जब मैं इसको घुमाऊँगा तो 120 से घुमाऊँगा तो ये उठ करके 120 से घूमता घूमता यहाँ आएगा, ये 120 से घूमता घूमता यहाँ, और ये 120 से घूमता हुआ यहाँ चला जाएगा। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस कार्बन को तो कांस्टेंट रखें और फिर इसको 120 से रोटेट कर दें। तो करो रोटेट इसको, देखो जैसे जैसे आप इसको रोटेट कर रहे हो क्या होगा बताओ, ये सी एल रोटेट होकर के यहाँ, बी आर रोटेट होकर के यहाँ, और एच रोटेट होकर के यहाँ आएगा। तो न्यू सिचुएशन आपको क्या दिखाई देगी वो ज़रा नोटिस करें और मुझे बताएं। ये एच घूम करके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आपको एच दिखाई देगा, ये सी एल रोटेट होकर के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आपको सी एल दिखाई देगा, और ये बी आर रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आपको बी आर दिखाई देगा। क्लियर? अब बताओ क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि रोटेशन के बाद एच सी एल और बी आर की रेस्पेक्टिवल पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। जैसे हम लोग यहाँ सी एल और सी एल की पोजीशन को नोट करते हैं, ये वाला सी एल देखो कहाँ है, ये रहा, और दूसरे कार्बन का सी एल कहाँ है, ये रहा, एक ही साइड है दोनों, ठीक। अगर यहाँ मैं सी एल सी एल की पोजीशन नोट करूँ तो ये वाला सी एल कहाँ है, ये तो वही है जहाँ पहले वाले में था, क्योंकि इस कार्बन को तो हमने कांस्टेंट रखा है, रोटेट तो इसको किया है, जब इसको रोटेट किया है तो ये सी एल उठकर यहाँ आ गया है। तो ये वाला सी एल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब दोनों के अंदर सी एल की रेस्पेक्टिव पोजिशन चेक कर लो, सी एल की जस्ट सामने या सी एल की साइड में ही सी एल है, जबकि यहाँ सी एल के अपोजिट ये ऊपर है, तो ये नीचे की तरफ सी एल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में जो सी एल प्रेजेंट है ना, उनकी रेस्पेक्टिवल पोजीशन बदल चुकी है, यानी 3D ओरिएंटेशन बदल चुका है, त्रिविमीय अभिविन्यास बदल चुका है, इसलिए ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंट है इनके अंदर, केवल ओरिएंटेशन का ही अंतर है, बाकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ क्या है, सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, उसके बाद ओरिएंटेशन में डिफरेंट पैदा हुआ है, तो ये भी कौन से आइसोमर होंगे, ये भी आपके स्टीरियो आइसोमर ही होंगे। कौन से आइसोमर होंगे, स्टीरियो आइसोमर, सही है। ये बातें हम पुरानी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन हमने इसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। तो स्टीरियो आइसोमर का क्या क्या मतलब है वो आपके समझ में अब अच्छे से आ रहा होगा। स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि ओरिएंटेशन में अंतर आना चाहिए, चाहे वो इस तरह के मॉलिक्यूल में दिखाई दे, चाहे वो आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स में दिखाई दे, लेकिन ओरिएंटेशन में अंतर होना चाहिए, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम रहनी चाहिए,
डिफरेंट होगा उनकी 3D ओरिएंटेशन में, है ना, कि त्रिभुमी अभिविन्यास चेंज हो जाएगा। और 3D ओरिएंटेशन से हमारा मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर तो सेम है मगर पार्टिकल का ओरिएंटेशन बदल चुका है। स्ट्रक्चर तो सेम है बट एच के रेस्पेक्ट में एच की पोजीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ भी स्ट्रक्चर तो सेम है बट सीएल के रेस्पेक्ट में सीएल की पोजीशन चेंज हो चुकी है। यानी ये सभी स्टीरियो आइसोमर होते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब आप लोग वापस से इधर ध्यान देंगे। हमने कहा था कि त्रिभुज समावयवी की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर के अंदर ये प्रॉपर्टी होंगी। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, ये इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। दो कौन कौन सी कैटेगरी हैं तो जरा ध्यान से देखो सब लोग। स्टीरियो आइसोमर किसकी बात चल रही है? स्टीरियो आइसोमर की, कि स्टीरियो आइसोमर कितने तरह के हो सकते हैं। तो त्रिभिम्ब समावयवी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं भैया, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। एक होता है आपका कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर, हिंदी में बोलेंगे इसको विन्यासी समावयवी। ठीक है, और एक तो हो गया कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और हिंदी में बोलेंगे इसको संरूपण समावयवी। तो स्टीरियो आइसोमर आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करने हैं, एक कॉन्फिग्रेशनल और दूसरा कॉन्फर्मेशनल। अब दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड हुए हैं अगर हम ये जानना चाहते हैं तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये दो आइसोमर्स बताए थे, ये भी बताया था और ये भी बताया था, इनको थोड़ा ध्यान में रखना और मैं जो बात कहता हूँ उस बात पर फोकस करना। ठीक है, देखो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ वो आप सब लोग ध्यान देंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मेरे पास दो बॉल है, ठीक है, एक बॉल मेरे पास ये है और एक ये है। ठीक है, ऐसे ही दो और बॉल हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इन बॉलों के बीच में बॉन्डिंग कर देता हूँ। बॉल मान लें, एटम मान लें, कुछ भी मान लें, मॉलिक्यूल्स मान लें। देखो यहाँ मैं इन दोनों बॉलों के बीच में डबल बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ मैं इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं, दिख रहा है सबको? ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा सा ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे भी ऐसे ही ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, और यही काम मैं नीचे वाली बॉलों के साथ भी कर रहा हूँ। इसको भी ग्रीन कर दिया और इसको भी ग्रीन कर दिया। ठीक है, आप जरा सभी लोग इधर देखेंगे, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, दो रेखाएं खींची हैं मतलब डबल है, और नीचे वाली सिचुएशन में इन दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। बोलो है कि नहीं? ठीक, अब मुझे एक बात बताना, मैं चाहता हूँ कि इस बॉल को तो मैं कॉन्स्टेंट रखूँ, मतलब इसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसको कांस्टेंट रखते हुए इस बॉल को मैं घुमाना चाह रहा हूँ। तो आपको सोच करके बताना है, इनके बीच में दो लाइन है ना, यानी दो बॉन्ड है, इसको कांस्टेंट रखते हुए क्या मैं इस बॉल को घुमा सकता हूँ? इसको नहीं घुमाना, इसको कांस्टेंट रखना है। आप खुद सोचिए और बताइए मुझे। ठीक, वही काम मैं यहाँ भी करने वाला हूँ कि मैं इस बॉल को तो कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, मतलब इसको तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, मगर इसको कांस्टेंट रखते हुए इस बॉल को घुमाना चाहता हूँ इस बॉन्ड के अलावा। ठीक है, तो क्या मैं इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमा सकता हूँ? तो देखो भैया, इन दोनों बॉलों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल रेखा है, इसको कांस्टेंट रखो तो इसे आसानी से घुमाया जा सकता है, क्योंकि सिंगल रेखा है, और सिंगल रेखा हो तो रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको नहीं घुमाया जा सकता, क्योंकि डबल रेखा है, दो बॉन्ड है, और दो बॉन्ड होने पर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है। क्लियर है? देखो
इस बात को मैं ऐसे बताऊं बहुत सिंपल तरीके से, तो ज़रा आप इधर ध्यान दें। देखो ये मान लो एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, दोनों को मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो एक बॉल को कांस्टेंट रखते हुए इसको कांस्टेंट रख देता हूँ और इसको घुमाता हूँ, तो मैं इसको बड़ी आसानी से रोटेट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? चाहूँ तो इसको कांस्टेंट रख दूँ, इसको घुमा लूँ, ठीक है। यानी फ्री रोटेशन पॉसिबल है। आप चाहें तो हथेली से देख लें, ये है उंगली की तरफ उंगलियाँ हैं और हथेली की तरफ हथेली है। मैं एक हाथ को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे हाथ को घुमाना चाहूँ तो बहुत आसानी से घुमा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैं फ्री रोटेशन इजीली कर सकता हूँ, दोनों का भी कर सकता हूँ, एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को भी आसानी से घुमा सकता हूँ। क्लियर है? यानी इस सिचुएशन में फ्री रोटेशन अलाउड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। और अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो आप इस ऐसे घुमा सकते हैं और घुमा कर एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉल की ही पोजीशन या कहूँ सिचुएशन या ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फ्री रोटेशन अलाउड है, ठीक है। और जब फ्री रोटेशन अलाउड है तो आप इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमा देंगे, और जब आप इसको घुमा देंगे तो आपको एक नई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देगी। और वो नई सिचुएशन क्या होगी, जरा सभी लोग इधर देखें, ठीक है। क्या सिचुएशन बन सकती है? देखो ये और ये दोनों बॉल हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन है, ठीक। और जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको सिचुएशन कुछ डिफरेंट नजर आएगी। कैसे आएगी? देखो इसको तो चेंज किया नहीं है आपने, तो ये तो ऐसी कैसी दिखाई देगी, क्योंकि इसको थोड़ी ना रोटेट किया है, ठीक है। लेकिन इसको तो कांस्टेंट रखते हुए इसको तो रोटेट कर दिया है, तो ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और रेड वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन वाला हिस्सा आपको ऊपर दिखाई देगा क्योंकि रोटेशन हो चुका है। रोटेशन क्यों हो चुका है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अलोंग आसानी से रोटेशन किया जा सकता है। तो ग्रीन ऊपर हो जाएगा और रेड कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ रोटेशन पॉसिबल था, इसलिए आपने इनको इजीली रोटेट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन अगर मैं ऊपर वाली सिचुएशन में बात करूँ, इस वाली सिचुएशन में, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको कॉन्स्टेंट रखते हुए इसको घुमा दूँ जबकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो जरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इस तरह का रोटेशन पॉसिबल होगा कि इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमा दिया जाए और जो नई सिचुएशन बने वो कुछ इस तरह की बने? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कैसी सिचुएशन बनेगी? देखो नई सिचुएशन हम ऐसी मान रहे हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। और देखो मैं घुमाने की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं घुमाने की बात करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा। देखो इसको तो कांस्टेंट रखना है, तो इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो इसका तो ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ रहेगा? नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको घुमा देना है, जब इसको घुमा देंगे तो इस केस में ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ग्रीन वाला पोर्शन तो आपको ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जो रेड वाला पोर्शन है वो कहाँ रह जाएगा? नीचे। तो अब मुझे आप बताइए, ये मैंने बना तो दिया है, बट क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमा दूँ और ये सिचुएशन ले आऊँ? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल। और जब डबल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कब अलाउड नहीं होता? जब बॉन्ड डबल होता है। अभी बॉन्ड कैसा है दोनों बॉल्स के बीच में? दोनों बॉल्स के बीच में बॉन्ड है डबल, इसलिए फ्री रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। रोटेशन
रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित है, है ना, यानी आप फ्री रोटेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अगली बात आपके समझ में बहुत आसानी से आएगी। पहले ये बात क्लियर हो रही है सबके दिमाग में, ठीक है। इसको मैं दो पेन लेकर भी आपको समझा सकता हूँ कि रोटेशन अलाउड है या नहीं। देखो मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है। अब एक बार तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो सिंगल रखता हूँ जैसा मैंने अभी किया था। तो अगर मैं सिंगल रखता हूँ तो इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको इजीली रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी दो बॉल्स या दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो रोटेशन अलाउड होगा, ठीक। लेकिन अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, यानी दो लाइनें हो जाती हैं, तो इस तरह से माने आप, ये देखो अब इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड है तो क्या मैं फ्रीली रोटेट कर पाऊँगा? देखो आप, थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो कर सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा दाएं बाएं नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे इनको रोटेट ही करना है तो मुझे किसी एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं किसी एक बॉन्ड को तोड़ दूँ, मान लो इस वाले बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ देता हूँ फिर तो रोटेशन ईजी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में दो बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता हो, तो फिर आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। देखो जरा, क्या इसको फ्रीली रोटेट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्शन आएगा, दोनों बॉन्ड बीच में एक दूसरे को टच करेंगे और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा, क्लियर है। हो सकता है फ्री रोटेशन कब, जब मैं किसी एक बॉन्ड को तोड़ दूँ तो फ्री रोटेशन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जब दो लाइन हैं, दो बॉन्ड हैं, तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा, और जब सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन अलाउड हो जाएगा। तो यहां फ्री रोटेशन नहीं होगा, इसलिए ये वाला कन्वर्जन मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां फ्री रोटेशन हो जाएगा, इसलिए ये वाला कन्वर्जन मैं कर सकता हूं। तो बस अब आपको यही ध्यान रखना है कि सपोज दैट मैं आपसे ये कहता, इधर ध्यान दे सभी लोग, कि ये कार्बन था, क्या था, कार्बन, ठीक है, ये भी कार्बन था। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो आपके लिए फ्री रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं होगा। आप इसको कांस्टेंट रखते हुए दूसरे कार्बन को नहीं घुमा पाएंगे और ये सिचुएशन आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक कि बॉन्ड तोड़ा ना जाए। जब उस बॉन्ड को तोड़ ही दूँ, डबल की जगह सिंगल कर दूँ, तो रोटेशन हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड अगर तोड़ना है तो केमिकल रिएक्शन की नीड होगी, और हम यहाँ रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इस सिचुएशन में स्वतः बदल सकती है या नहीं। तो आप कहेंगे भाई सेल्फ तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ तो इस तरह की कंडीशन होगी। अब मान लो ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो इजीली रोटेशन होगा, और ये पोजीशन इजीली इस सिचुएशन में चेंज हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस आपको यही याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो फिर रोटेशन अलाउड नहीं होगा। आप एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को रोटेट नहीं कर पाएंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर रोटेशन अलाउड होगा, एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को आप रोटेट कर पाएंगे। क्लियर है सबके दिमाग में बात? अगर आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हैं तो अब मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर आप गौर करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैंने कहा था कि स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? दो तरह के। एक होगा आपका कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर, है ना। कॉन्फिग्रेशनल का मतलब क्या है? विन्यासी समावयवी, ठीक है। और दूसरा आपका होगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, यानी सरूपण समावयवी। तो ये दो तरह के कैसे होते हैं, मैं इसी बात को डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टीरियो आइसोमर को दो कैटेगरी में कैसे क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने जो पुराने एग्जाम्पल लिए थे ना थोड़ी देर पहले, ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल, इनको देखिए और सोचिए, ठीक है। पहले हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल की, ये जो ऊपर बना हुआ है इसकी बात करते हैं। तो देखो जरा, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है बताओ मुझे, डबल, बोलो है कि नहीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड? अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस कार्बन को कॉन्स्टेंट रखूं और इस कार्बन को घुमा दूं, यानी फ्री रोटेशन अलाउड है या रेस्ट्रिक्टेड है? तो आपने अभी अभी देखा है कि जब डबल बॉन्ड की सिचुएशन आ जाती है तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है। यानी कि
इस वाले स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर मैं एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे कार्बन को रोटेट नहीं कर सकता, यानी रूम टेम्परेचर पर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। सपोज करो अगर ये फ्री रोटेशन हो रहा होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, इस कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को रोटेट कर देता। जब मैं इस कार्बन को रोटेट करता, मान लो ऐसे रोटेट करता, तो ये Cl ऊपर आ जाता और H कहाँ आ जाता, नीचे। भाई इसको कांस्टेंट रखो, इसको पकड़ो और पकड़ के घुमा दो। जब घुमाओगे तो Cl नीचे से कहाँ आएगा, ऊपर, और H ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर रोटेशन अलाउड होता तो मैं इस कार्बन को घुमा देता तो ये Cl ऊपर और H नीचे, और यही वाली पोजीशन आ जाती कि नहीं आ जाती, ठीक। यानी मैं इसको इसमें इंटर कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन कब, जब रोटेशन अलाउड होता। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं इस कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को रोटेट नहीं कर पाऊंगा। अब हम दूसरे टाइप के आइसोमर को देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने तो ये जब आइसोमर ऑप्टेन ही किया था तब मैंने आपसे कहा था कि इस कार्बन को रोटेट कर दो। क्यों कहा था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होता है। अभी देखा है हमने, देखो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन बिल्कुल अलाउड होता है। इसका मतलब तो ये है कि मैं चाहूँ तो इस कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए इस वाले कार्बन को रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखते हुए इसे रोटेट कर सकता हूँ तो रोटेशन के बाद ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे कहे क्या मैं इसको, इस वाले मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल में चेंज कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रोटेशन अलाउड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन को कांस्टेंट करो, इस वाले कार्बन को पकड़ो और इसको घुमा दो। जब इसको 120 से घुमाओगे, अच्छा घूम तो जाएगा ही क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 120 से घुमाओगे तो ये वाली सिचुएशन चेंज होकर इसमें बदल जाएगी, यानी ये इसमें बदल गया है, ठीक। आप इसको इसमें बदलना चाहते हैं, उल्टा 120 से रोटेट कर दो। उल्टा रोटेट करोगे तो Cl ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, H यहाँ आ जाएगा और Br नीचे, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। यानी इसको इसमें बदल सकता हूँ और इसको इसमें बदल सकता हूँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन अलाउड होता है। एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को घुमाया जा सकता है और ये सेल्फ हो सकता है। ये काम रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल के अंदर हो जाता है, क्योंकि इस रोटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती, बहुत कम एनर्जी की नीड होती है। उस वजह से ये सेल्फ रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी पा लेता है कि ये कार्बन आसानी से रोटेट होकर इसमें बदल जाए और ये कार्बन रोटेट होकर इसमें बदल जाए। अगर ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, पहली बात। तो दूसरी बात, जब इंटरकन्वर्जन अलाउड है, हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होगी, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। डिफरेंट तो दिख रही हैं और डिफरेंट है भी, लेकिन इनका सेपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मान लो आपने एक कंटेनर में इसको रखा है, ठीक है, और आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर अलग है और ये वाली स्ट्रक्चर अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है उस कंटेनर में रोटेशन तो होगा, और रोटेशन होगा तो ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे इसमें बदल जाएगी, और जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है उसमें भी रोटेशन होगा तो ये स्ट्रक्चर रोटेट होकर इसमें बदल जाएगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे में बदल जाएंगे, इसलिए दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस तो आप नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इंटरकन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, तो सेपरेशन नहीं हो सकता। ये दोनों फॉर्म अलग जरूर हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है ये वाली फॉर्म खुद ही इस वाली फॉर्म में बदल जाएगी। तो कभी ये फॉर्म इसमें बदलेगी, कभी ये फॉर्म इसमें बदलेगी, इस तरह से इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, तो फिर इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों, जो मॉलिक्यूल ये है अगले ही क्षण वही मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल ये है अगले ही क्षण रोटेट होकर वो ये हो जाएगा। इसका मतलब इनको सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा स्टीरियो आइसोमर में ओरिएंटेशन का फर्क होता है, लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर अब दो तरह के हो गए हैं। एक वो जिनमें रोटेशन अलाउड ना हो, इंटर कन्वर्जन नहीं हो सकता, दोनों को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, और एक वो में इंटर कन्वर्जन अलाउड है, यानी रोटेशन अलाउड है, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जिन में इंटर कन्वर्जन नहीं होगा, जिनको सेपरेट किया जा सकेगा, उन आइसोमर्स को हम लोग कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे,
कॉन्फिग्रेशनल यानी विन्यासी समावयवी कहेंगे। और जिन आइसोमर्स में रोटेशन अलाउड होगा, जिनको इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है, जो एक दूसरे में बदलते रहेंगे, उनको हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहेंगे। कॉन्फिग्रेशनल इस तरह के हैं, रोटेशन अलाउड नहीं है, इंटरकन्वर्जन नहीं होगा, सेपरेट किए जा सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल इस तरह के हैं, रोटेशन अलाउड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो उनको आप संरूपण कहेंगे। क्लियर है।